अब तक आपने देखा कि मैं कैसे ल्हासा पहुंची। लोग इवन दूरबीन से देख रहे हैं। टी वन की है ये मील। यू आर गोइंग टू ल्हासा? फिर लोग बहुत पसंद करते हैं ऐसे कुछ सॉफ्ट टॉयज लगा। अभी स्टेशन पे रुकेगी कि क्या? लेकिन आगे निकल गई। ये नदी है लगता है। यहाँ पे सब सो गए हैं। अब आगे ओके गाइस, तो इसी के साथ ही हम लोग चोंगचिंग से ल्हासा पहुंच गए। करीबन 3030 किलोमीटर का रास्ता तय करके 33 hours and 37 minutes। ऐसा दिखता है ल्हासा का स्टेशन बाहर से, और ल्हासा स्टेशन के बाहर से कैसा दिखता है। अभी बजे हैं 8 और देखिए उजाला हो गया है यहाँ पे। 8 मतलब इंडिया में हुए होंगे 5:30। ओके हियर फ्रॉम टिबेट विस्टा, जिन्होंने मतलब हमारा टूर ऑर्गेनाइज किया है। अभी 3 दिन यहाँ पर हैं, तो आज का दिन छोड़ के कल और परसों का जो टूर होगा वो इन्हीं के साथ होगा। तो ये हमें वेलकम कर रहे हैं क्योंकि हम आए हैं। ये मुझे बोधगया की याद दिला रहा है। ये अपनी कार में हमें लेकर के जाएंगे होटल तक, और इनकी ड्यूटी वहीं तक है। उसके बाद हमारे जो गाइड होंगे टूर के वो अलग होंगे। तो हम अभी हमारे होटल तक पहुंचाने वाले गाइड नागवा के साथ, और ताशे दिलेक नागवा और वो है हमारे सारथी फिलहाल, जो ल्हासा में हमें पिक करने आए थे। और यहाँ पे पीछे जो है वो इनके ही टूर से जा रहे हैं, ग्रुप से, और वो जा रहे हैं यू आर गोइंग टू माउंट कैलाश। ही इज गोइंग टू माउंट कैलाश। यू आर फ्रॉम कनाडा? कनाडा, ओके। सो हैव यू बीन बिफोर टू माउंट कैलाश? दिस इज फर्स्ट टाइम। ओ दैट्स सो वंडरफुल, टेक ब्लेसिंग्स फॉर मी ऑल्सो। Even I'll be going to Mount Kailash, maybe with Tibet Vista sometime. यहाँ पे भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं। रोड काफी अच्छे हैं यहाँ पर, सिमिलर जैसे हमने मेनलैंड में देखे थे। तिब्बत में लैंड करते ही सबसे पहले मुझे ये गाइड थमा दी गई, जिसमें तिब्बत कैसे आ सकते हैं, वीजा का प्रोसेस क्या है, तिब्बत के लिए परमिट कहाँ से मिलती है, और यहाँ नेपाल और मेनलैंड चाइना से आप कैसे पहुँच सकते हैं, यह लिखा था। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस था वह यहाँ क्या नहीं कर सकते हैं इस पर था। जैसे मिलिट्री एरिया में फोटो नहीं लेना, किसी भी पुलिस का फोटो वीडियो न लेना, ड्रोन आउटसाइडर के लिए बैन है, दलाई लामा और चीन की क्षेत्रीय अखंडता के बारे में बात नहीं करना, और अकेले यहां वहां नहीं जा सकने वाले कई तरह के नियम। फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा ल्हासा तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की राजधानी है, जिसमें प्राचीन परंपरा और आध्यात्म का अद्भुत मिश्रण है। ल्हासा में कदम रखते ही मुझे सांस्कृतिक समृद्धि का एहसास होने लगा। यह ऐसा है जैसे चारों ओर करुणा बह रही है। यहाँ की गलियाँ प्रार्थनाओं के सुरों में गूंथी हुई नजर आ रही है, जो निश्चित ही मेनलैंड चाइना की संस्कृति से काफी अलग है। ये है 7th century का ल्हासा, ओल्ड ल्हासा। यहाँ पे पुराने हमें स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, तो फीलिंग कुछ अलग ही है। You can walk here around by yourself when you're free day, okay? But don't take picture, military, police. I know. You know? ये तो सेंटर ऑफ द सिटी में हमारी होटल है, तो घूमने में भी मजा आएगा। ये एंट्री है और ये होटल। सूरज की किरणें हमारी आंखों में नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा हम जब ल्हासा में आए तो, क्योंकि यहाँ पे सोलार एनर्जी सीधे आपके आँख को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं। और पूरे चाइना में सबसे
बड़ा दिन यहीं पर होता है और सूरज एकदम तीव्र गति से आपकी आंखों को चुभ सकता है। तो अभी हम होटल में चेक इन कर रहे हैं और फिर आगे की बात आगे बताऊंगी। पहले तो एक्साइटमेंट है, आज पूरा दिन है हमारे पास, पूरा दिन। मेरी ट्रेन राइट टाइम पर अंदर आई है, मतलब यहाँ पर आई है। ये कुछ लुक है हमारे होटल का। आइए रूम टूर कराते हैं यहाँ का। ओके, ये है रूम, काफी बड़ा है, सोफा एंड ब्यूटीफुल व्यू। वाओ, अमेजिंग। पहाड़ों के व्यू से तो है ना नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना। और गरीब को फिर एक बार बेड मिला लहासा में चटाई के बजाय। कैबिनेट है, ये टॉयलेट कुछ ऐसा है फेमस एंट्रेंस। तो अभी हम लोग आते ही पहले नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा काफी एंटिक फील है। गाइस, तो हम हमारे गैंगशिया होटल से अभी जस्ट निकले हैं और प्लेजेंट मॉर्निंग थी। आ गए थे हम लोग अराउंड 8 बजे के आसपास, चेक इन कर लिया था अराउंड 9 बजे के आसपास और अब निकले हैं हम आज लासा का एक ग्लैंस लेने। तो अभी हम लोग हैं बारखोर इलाके में, इसे बारखोर कहते हैं एंड दिस इज़ द ओल्ड सिटी। 7th century से यहाँ का इवन कुछ ओल्ड कंस्ट्रक्शन भी है, तो वो भी देखेंगे क्या क्या है। सो वेलकम टू लासा, दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं आप सब लोग का स्वागत करती हूँ तिब्बत में। लासा का नाम आते ही एल्टीट्यूड आ जाता है, हाई एल्टीट्यूड जोन है ये और यहाँ का दिन काफ़ी लंबा होता है। कहते हैं कि सूरज की किरणें यहाँ पर चमकते ही रहती है, तो सोलार रेडिएशन यहाँ पर सबसे हाई लेवल पर होता है और पूरे चाइना में सबसे बड़ा दिन तिब्बत में ही होता है। और वैसे हम लोग हैं अभी 3500 मीटर पर और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर हैं, तो जो लोग पहली बार इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड पर आते हैं ना उनको एक दिन एक्लिमेटाइज होना चाहिए। हम लोग का तो ऑटोमेटिकली एक्लिमेटाइज हो गया, ऑल दो हम यूज टू हैं इस तरीके के हाई एल्टीट्यूड के लिए, इसीलिए हमें उतनी क्या हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन नॉर्मली लोगों को आती है। जस्ट लाइक हम लोग जब लेह लद्दाख जाते तो कहा यह जाता है कि आपको एक दिन के लिए एक्लिमेटाइज होना है, उसके बाद फिर आप घूमिए दूसरी जगहों पर। लेकिन एक्लिमेटाइज होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूम के अंदर एक्लिमेटाइज होइए, आपको बाहर निकलना है, थोड़ा मार्केट घूमना है, हवा खानी है, पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेट नहीं होना है, भले ठंडक लग रही है। ताशे दिले यहाँ पे ताशे दिले बोलना होता है हेलो हाय करने के लिए, इट्स अ ब्लेसिंग। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चों के सर पे हाथ कभी नहीं रखना है। इसका रीज़न क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है। तो मेरा ये टूर जो है ना वो एक्चुअली पार्शली स्पॉन्सर्ड है, मैं कहूँगी, मतलब जो मेरा टूर पैकेज है, मेरा परमिट है, वो तिब्बत विस्टा ने किया है, बाकी अकोमोडेशन मेरा है, फूड मेरा है और ये मौसम भी मेरा है। और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला ये बात है कि यहाँ की फेमस है पटोला मॉनेस्ट्री, सबसे ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री, मतलब पटोला पैलेस कहा जाता है और वो बस वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारे होटल से। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसे हम एक्सप्लोर करने जाएंगे, जहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा, उसे कहते हैं शायद नमस्ते रेस्टोरेंट। और हाँ, यहाँ पर नेपाल इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं, क्यों ना आए, क्योंकि माउंट कैलाश को घूमने आते हैं, माउंट एवरेस्ट के लिए आते हैं। ओके गाइस, तो ये है एक छोटी गली दिखाई दे रही है हमें, आज का दिन लासा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लासा थ्रू माई आईज। Thank you.
पूजा सामग्री का सारा सामान यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हम आ गए हैं अब आध्यात्मिक जगह पर। मेरी मुस्कुराहट देख करके भी लग रहा होगा कि पूरा अध्यात्म बसा हुआ है हम लोगों के अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी। इतने अनगिनत स्वेटर्स हैं, इतने वुलन क्लोथिंग हैं। ये लड़का, इससे हमने एड्रेस पूछा है रेस्टोरेंट का, और कब से अराउंड 10 मिनट से वो हमें बता रहा है कि कैसे जाना है। मैं आपको लोकेशन तक बता देता हूँ ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। शे थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे आपको कैंपिंग के लिए मतलब बेसिकली क्या है पता है, नेपाल और जो इंडिया में आता है ना वो मोस्टली तिब्बत से ही आता है। तो यहाँ पे आपको ट्रैक पैंट्स, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ओरिजिनल भी मिलते हैं और फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, लेकिन इसका जो फर्स्ट कॉपी होता है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सिंगदाने, बाप रे कितना गुड़ है, सिंगदाने हैं, सब दिख रहे हैं यहाँ। ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, यहाँ आपको रिक्शा वाला भी मिलेंगे, रिक्शा पुलर। ये है ओल्ड टाउन की ब्यूटी, बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। ताशे देलेक बोलते हुए, इतने खूबसूरत स्माइल देते हुए, अपने हाथों में माला लिए हुए, सारे यहाँ पे तिब्बतियंस आपको अपना समझते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी रिक्शॉज हैं, इससे भी आप यहाँ पे घूम सकते हैं। पब्लिक बसेस हैं, उससे भी जा सकते हैं जहाँ जाना है। और यहाँ पे इतने ही लोगों के ट्रेडिशनल क्लोथिंग है ना कि मेरा मन कर रहा है मैं बहुत सारा ले लूँ, लेकिन कितना डालेंगे बैग में। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल क्लोथिंग के सारे शॉप्स मिल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल है सारे, चाहे वो शॉल्स हों, वुलन शॉल्स, हर तरीके की, हर रेंज की। इवन वहाँ पे बार्गेनिंग मतलब के लिए पूरी गली है। जो लोग रोड क्रॉसिंग के लिए ये सीढ़ियाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, देखिए यहाँ पर लिफ्ट भी है। चारों रोड से कनेक्ट कर रहा है ये ब्रिज। यहाँ सारी बुटीक ड्रेसेस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी का सारा शोरूम है। यहीं पे कहीं रेस्टोरेंट है, लेट्स सी। ओके गाइस, तो हम लोग आखिरकार पहुँच गए। इधर ही है लहसा नमस्ते रेस्टोरेंट, और वहीं पे जाते हैं, कुछ वेजिटेरियन हमें मिल गया। कहाँ गया डॉन? सी इस बिल्डिंग में, बारखोर में ही है। हम लोग उसका गूगल पे है ना डाल देंगे, क्योंकि गूगल पे आप सर्च करते तो कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। तो हम जो जो स्पॉट पे जाते हैं गूगल पे हम लोग स्पॉट कर देंगे। इसके नीचे मैं देख रही हूँ जहाँ से एंट्रेंस है, बाप रे इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट। बाप रे बाप, क्या है ये? यही है वो रेस्टोरेंट। ये है मेन्यू, इंडियन एंड नेपाली आपको दिख रहा होगा। मैंने सोचा देखते हैं, पूछते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत सारे गोल्ड के यहाँ पे शॉप्स दिखाई दिए मुझे, तो यहाँ पे रेट बोल रहे हैं 24 कैरेट के, जो सोने पे छपा हुआ है 99999। तो मोस्टली 24 कैरेट में ऐसे ही होता है। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि नहीं यार, डिज़ाइन अगर होगा तो 22 या 23 कैरेट होना चाहिए। तो बोले नहीं, 24 है, और रेट उसका है 448 युआन। तो मतलब अगर हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में
पर ग्राम बोल रही हूँ, तो 5,152 होता है जो आज का रेट है, और आज का मैंने देखा गोल्ड का जो इंडिया में रेट है वो 5,800 समथिंग है, तो करीबन 700 रुपये कम पर ग्राम, तो काफ़ी काफ़ी सारा कम हुआ, 700 रुपये कम मतलब अच्छा खासा कम हुआ। अब हमें सिर्फ डाउट था कि वो 24 कैरेट है कि नहीं है। इतना खूबसूरत लग रहा है, ये टाइम स्क्वायर इलाका है यहाँ का, हम अभी यहाँ से आए, ये एकदम सेंटर पॉइंट है जिसमें आप पूरा सर्कल ऐसे लेकर के पूरा व्यू देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ हर तरफ से दिखाई देते हैं। मज़े की बात तो यह है कि इस डिजिटल युग में डूबे हुए यहाँ के युवा भी परंपरा को वर्तमान के साथ अनुकरण करते हुए तिब्बती प्रार्थना चक्रों को घुमा रहे हैं। जी हाँ, यह तिब्बत है और मैं आपको यहाँ की विरासत को महसूस कराने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे अदरवाइज चाइना में थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसी तरीके से यहाँ पर पब्लिक बस है। इसके रेट बहुत कम होते हैं। ये शौचालय है, बड़ा ये भी सुंदर है, दिख रहा है। अब ये ब्रांड आपने नॉर्मली देखा होगा जैकेट्स में और इवन ट्रैक पैंट्स में, मोस्टली फर्स्ट कॉपीज या सेकंड कॉपी मिलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने का है। मेरे पास भी एक है, ऑब्वियसली वो फर्स्ट कॉपी है। भाई वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी सारे जैकेट्स भी हैं। अरे कैसे नहीं है, दिस ये जो टी शर्ट है 9,000 रुपीज़ का है। ये एक जैकेट मुझे लग रहा है कि काफ़ी लाइट है। जैकेट्स तो बहुत शानदार शानदार से हैं बट रेट काफ़ी बड़ा है। ये एक देखो, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, लाइट है ये, पर ये उसकी तरह है, विंड सीटर टाइप का है, एंड ये 1199 का है, मतलब समझ लो 12,500 के आसपास का। ये है 1299, मतलब ऑलमोस्ट 13,500 रुपये का जैकेट है। ओरिजिनल व्हाट इज द रेट, ज़्यादा नहीं है डॉन, 1298 कुछ नहीं है इसका, 120 में मिलता है। 32,000 का जैकेट दिखाएं, ये बढ़िया बढ़िया जैकेट है, स्लीपिंग बैग्स भी है, ये बिल्कुल आउटडोर के लिए बनाया हुआ है। ये देखो, ये है ओरिजिनल स्लीपिंग बैग्स कैलाश। नाम थोड़ा सा इंडियन है, सारे आउटडोर कैंपिंग के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे बट दीज आर ओरिजिनल्स। मतलब अगर ये स्लीपिंग बैग में लिखा है ना -20 degrees -12, तो आप समझ लो कि -12 एग्जैक्ट होगा। ओके, चेस्टनट्स है जिसे गरम किया जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है। शूज की तो भंडार है, ट्रेडिशनल शूज भी बहुत दिखते हैं यहाँ। जैसे देख रहे हैं ये सब है। शाम हो गई है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये पूरे मार्केट में। मैं देख रही हूँ कि लोकल्स और कुछ फॉरेनर्स दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन लोकल सारे निकले हुए हैं खरीदारी करने। बारकोर स्ट्रीट पे आपको अनगिनत वैरायटीज़ मिलेगी। हाँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, टिफ़िन और वैसी सारी चीज़ें। यहाँ पर पूरा सेल लगा हुआ है, ये 41, 31, 21। और यहाँ के बैगर्स के हाथ में मैंने देखा हजारों की नोट है, हजारों की। लौटा है हम हमारे होटल में फिर एक बार। ये भी होटल काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख रहे हो, और फिर हम थोड़ा सा चार्जिंग वार्जिंग करके फिर वापस निकलेंगे 1-2 घंटे में। शाम का थोड़ा नाइट लाइफ आपको बताएंगे। A few moments later. बस थोड़ा सा रेस्ट करके हम वापस निकले हैं, क्योंकि पूरी रात जो है ना ट्रेन में इतनी नींद नहीं हुई थी, पता नहीं क्या था, पूरा गरम गरम हीट आ रही थी, पता नहीं क्या लोगों ने वार्मर ओपन कर दिया था। खैर, तो अभी हम फिर निकले हैं अपने होटल से और बाहर
थोड़ा सा नज़ारा देखने के लिए कि नाइट में कैसा लाइट यहाँ पर होता है। बहुत सुंदर तो दिख रहा है सामने, देखो है ना। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी उजाला है, हाँ, और अभी बजे हैं 7:45, 7:45 बजे इतना उजाला, मतलब 8, 8:30 बजे तक अंधेरा नहीं होएगा यहाँ पे। सिमिलर किस्सा होता है लेह लद्दाख, ठंडक है, ऐसा नहीं है कि ठंडा नहीं है, आपको वार्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। लामा के जो पहनावे होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन मैरून कलर का, और उसमें भी जब वो लोग मोनेस्ट्री में चलते हैं ना तब और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अरे बाप रे यार, सोना दागिना कितना ही यहाँ पे बिकता है, हम तो पहने हुए किसी को इतना नहीं देखते यहाँ। अभी वैसे तो दुकानें ओपन हैं लेकिन ऑलमोस्ट धीरे 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 क्लोज होते जा रही है। मतलब अगर आपको शॉपिंग करनी है तो बेटर है कि आप अराउंड 8 बजे से पहले तक में शॉपिंग कर लें। उप्स, टाइम स्क्वायर पर आ गए। बस मतलब यही है कि यहाँ पे आप घूमते रहिए, जो गलियाँ हैं वहाँ घूमते रहिए। गलियों में मैंने देखा थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, वो दिन वाला ही बात है। बाप रे, बड़े बड़े जो है ना गोल्ड के शॉप हैं, बड़े बड़े हैं, ये पूरा गोल्ड बाजार ही है लगता है। इस तरफ शूज़ है, यहाँ पे ग्लेयर्स हैं, शूज़ हैं, ये कौन सा ब्रांड है, एक्स डाउन जैकेट होते हैं बेसिकली, वो गूज डाउन होते हैं, उसके अंदर गूज के फर होते हैं, और वो क्या होता है ना, जब आप पहनते हैं तो आपके बॉडी के वॉर्म्थ और उस जैकेट का कोटिंग, उससे क्या है कि वो गूज के फर जो है ना फैलते हैं और उसके बाद आपको वॉर्म्थ लगता है, फूल जाता है जैकेट। जैसे ये भी जो जैकेट है कैसे फूल गया है, अगर इसको मरोड़ चरोड़ के वो छोटा हो जाता है। उसमें मैं आपको आइडिया देती हूँ थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पहले वाला 500 प्लस है, उसमें उतना गूज का फर होता है, उसके बाद 700 प्लस, उसके बाद 1000, तो उस हिसाब से गूज के फर उसमें होते हैं, उसी हिसाब से उसका रेट होता है। गूज के फर बहुत महंगे होते हैं, तो जैकेट का बेसिकली नहीं होता है रेट, उसके अंदर जो गूज डाले हुए रहते हैं ना उसकी वजह से रेट ज़्यादा होता है। एक मुझे वाइट इतना सुंदर लग रहा है, वाइट लेने का मेरा प्लान था, ऑल दो ट्रैकिंग पे वाइट भी होगा ना, लेकिन इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है, देखो ये वाला। चलो पैक कर दो यार, प्यारा तो मुझे बहुत लगा वो वाला जैकेट, लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम कि इतने जैकेट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एक -20 का मेरे पास जैकेट है जो फूल के ऐसे हो जाता है, जो आप अगर मेरे काजा के व्लॉग में देखोगे तो हम लोगों ने जहाँ पे कैंपिंग किया था उसमें मैंने पहना था रेड कलर का। इतना भी बजट नहीं है कि भाई इतने 7-8 हज़ार रुपये डाल दे उसमें। चाइनीज इतने ब्रांड्स हैं लेकिन दे आर सुपर एक्सपेंसिव, दे आर सुपर एक्सपेंसिव। कपड़ा देखो अशाली, हाँ क्वालिटी जो है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो अपने यहाँ पे समझो वाइल्ड क्राफ्ट में या उसमें मिलता है ना, अगर उससे कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि हमने वो डाउन जैकेट कंपेयर किया जो हमें वाइल्ड क्राफ्ट में अराउंड 9,000-10,000 के आसपास मिलता है, जो यहाँ पे हमने देखा जो 7,000 के आसपास था, लेकिन इट वाज रियली गुड। हमारे यहाँ जैसे ठेला लेकर के लोग रहते हैं, उसी तरीके से ये भी ठेला लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और देखिए मोज़ा बेच रहे हैं, लेडी है लगता है, और इवन ये सब भी बेच रही हैं, डैंगलर्स हैं कुछ, तो बोल रही हैं ले ले, लेकिन मैं लेके कहाँ घूमूंगी इसको। ये स्ट्रीट फूड है, ये कॉर्नर जहाँ मैं अभी जस्ट वॉक कर रही हूँ, वही सब जिस तरीके से नॉनवेज बनता है वो भी है, वेज भी है, जैसे यहाँ पे ये सारी स्टिक्स, यहाँ पे छोले कुलचे मिलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये सारी स्टिक्स मिलती हैं जिसमें सारा नॉनवेज आइटम मिलता है। टोफू है लेकिन वो भी नॉनवेज के साथ सटा हुआ है। यहाँ पे वेजिटेरियन आइटम भी है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहे हैं। Put this all in that. यहाँ पे भी बाइक्स चलती हैं, और ये देख रहे हो आप सब लोगों के पास इस तरीके से बाइक को कवर करने वाला है, मतलब आपका हाथ कवर हो जाएगा पूरा, मतलब आपको ठंडा नहीं लगेगा, उस तरीके से पूरा ढक जाते हैं, पूरा अपने आप को लपेट लेते हैं और उसके बाद फिर राइड करते हैं। हम लोग तो पूरे राइड में हम चाह रहे थे लेकिन वो हो ही नहीं पाया, हमने ना साइकिल चलाई ना ही बाइक चलाई। अमेजिंग लाइट्स का इस्तेमाल होता है,
और इतना रिच होता है, ये शायद कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग ही है मुझे लगता है। ठंड कड़ाके की लग रही है अभी, मैं जैकेट भी पहन लिया।